आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। अभी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किए हैं, कृपया सुनिए। आज मैं आपको बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। हमें हमेशा दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। संसार में कौन अपना है कौन पराया है यह समझना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए हमको सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों ही बड़े ही पक्के दोस्त थे। कभी भी किसी के घर आते जाते और खाते पीते थे, वो लोग बचपन के ही दोस्त थे। पर दोनों के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था। एक सज्जन था और एक उससे ही ज़्यादा दुष्ट प्रकृति का था। उसके मन में हमेशा बड़े बनने की लालच रहता था। वह सोचता था कि हम भी इतने बड़े आदमी बन जाएं कि हमारे घर में बंगला हो, कार हो और हम ऐश करें, नौकर चाकर हों और कोई भी जी हजूरी करने वाला हो। जब भी वह नगर सेठ को देखता और उसको सलाम करता तो उसके मन में बड़ी ही दुर्भावना आ जाती थी। तो एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि भैया, हम दोनों ही गरीब हैं और क्या करें, हम शहर में चलें और कुछ पैसा कमा लें। तो उसने कहा ठीक है। तो दोनों ही दोस्त शहर के लिए चल दिए और एक शहर में पहुंच गए। दोनों ने बड़ी ही मेहनत की और बड़े ही मेहनत करने से पैसा कमाया, उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि अब हम अपने गांव चलते हैं, हमें अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। और दोनों ही गांव के लिए चल दिए। रास्ता में जो दुष्ट प्रकृति का दोस्त था उसने अपने दोस्त से कहा, वह जानता था कि मेरा दोस्त तो बहुत ही सीधा साधा है। तो उसने कहा भैया, इतना सारा धन लेकर हम गांव में जाएंगे और रास्ते में जंगल भी पड़ेगा, हम एक काम करते हैं कि इस जंगल के एक पेड़ के नीचे हम अपने धन को गाड़ देते हैं और कुछ कुछ धन लेकर हम लोग चले चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा थोड़ा धन लेकर दोनों गाँव के लिए चल दिए और अपने अपने घर में पहुँच कर अपने अपने माँ बाप को धन दे दिया। और जो धन था, जो दुष्ट प्रकृति का दोस्त था, उसने एक पेड़ के नीचे खोद कर और गाड़ दिया। कुछ दिन बीते तो उसके मन में लालच आ गया। वो तो वैसे भी दुष्ट प्रकृति का तो था ही, उसके मन में तो बहुत अधिक लालच था। तो वह सोचने लगा कि क्यों ना हम धन खोद लाएं और उससे कहें कि फिर अपन धन खोदते चलते हैं। तो वह गया और उसने सारा धन खोद कर निकाल लिया। अब वह अपने सज्जन मित्र के घर पहुँचा और कहने लगा, महाराज भैया, बहुत सारा धन खर्च हो चुका है, चलो अपन लोग धन निकाल लें। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों दोस्त फिर उस जंगल में पहुँचे और उस पेड़ के नीचे उन्होंने जाकर देखा जहाँ धन था, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था क्योंकि पहले ही वो धन निकाल लाया था। तो उसने कहा दुष्ट प्रकृति वाले ने, क्यों, हम दोनों को ही धन का मालूम था कि हमने कौन से पेड़ के नीचे गाड़ा है, तो तुम ही ने निकाला है धन, हमें तो आज ज़रूरत थी तो हमने तुमसे कहा कि चलो धन निकाल के लाएँ। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं क्यों निकालूंगा, मैं हम दोनों इतने पक्के दोस्त हैं और दोनों ने मेहनत करके ही धन कमाया है। तो उसने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा चलो महाराज के पास, दुष्ट वाला बोला और जाकर और महाराज के सामने रो रो कर चिल्लाने लगा। कहने लगा महाराज, हम दोनों ने धन कमाया था और देखो मेरे दोस्त ने, वैसे तो इतना सीधा साधा दिखता है और सारे गाँव वाले कहते हैं कि यह इतना सीधा है, और इसने मेरा सारा धन निकाल लिया है। तो राजा ने कहा कि भाई तुम बताओ। उसने कहा महाराज, हम तो जिस दिन से धन गाड़ के आए थे उस दिन से हमने धन देखा ही नहीं है और हमें तो मालूम भी नहीं है कि कौन से पेड़ के नीचे इसने गाड़ा था, किसी ने चिन्ह लगाया था। तो महाराज ने कहा चलो अब तो उस पेड़ के नीचे ही जाकर और हम उस धन का पता लगाएंगे। और भय महाराज और भय जाने लगे। तो महाराज ने कहा कि वह पेड़ खुद ही बताएगा कि धन कहाँ किसने निकाला है। तो दुष्ट प्रकृति वाले ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सचमुच पेड़ बोल दे। तो उसने अपने पिता से कहा कि तुम जो है एक गड्ढे में छिप कर बैठ जाओ और बोल देना कि धन तो इस सज्जन वाले दोस्त ने ही निकाला है। उसने कहा ठीक है। तो वह उसका पिता जाकर उसके नीचे बैठ गया गड्ढे में। और जैसे ही महाराज ने कहा कि भाई तुम ही बताओ, पीपल के पेड़ देवता, तुम तो देवता हो, तुम्हारी तो सभी लोग पूजा करते हैं, अब इन दोस्तों के बारे में तुम ही बताओ कि आखिर धन किसने चुराया है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ में से आवाज़ आने लगी
कि धन तो जो सज्जन दिखता है दोस्त, इसी ने निकाला है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को आश्चर्य हुआ कि पेड़ कैसे बोलने लगा। तो महाराज की समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सिपाहियों से कहा कि देखो जितने पत्ते हैं सारे पत्तों को जलाओ, इस पेड़ को चारों तरफ से जला दो, ये कैसे सत्य बोल रहा है, और जब इसको जलाएंगे तब भी ये बोलेगा। तो महाराज ने उस पेड़ को जलवा दिया, और जैसे ही पेड़ जला तो वह चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, और वहाँ आधा आधा जला हुआ बाहर निकल आया गड्ढे में से। तो महाराज ने उसको पहचान लिया, सारे गांव वालों ने भी उसको पहचान लिया। तो उन सब ने मिलके उस दुष्ट को, जो दुष्ट प्रकृति का था, उसको बहुत अधिक मारा, और मारने के बाद सारा धन उस सज्जन को दे दिया, और उस दुष्ट प्रकृति वाले दोस्त को जेल में डाल दिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्त तो बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, और मुसीबत के समय सच ही बोलना चाहिए।